शुरुआत में बहुत सारे सोने को दिखाया जाता है। तभी उस सोने के पास गबरू उर्फ गबराल आता है और उस सारे सोनों को गिनता है। 31, 32, 34, 33, 34, 38। लेकिन वह कई बार कोशिश करता है लेकिन वह सही सही गिनती को भी नहीं गिन पाता है। कभी विकराल आते हैं, किसी और भूत को किसी शिशु में बंद करके लाते हैं और कहते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ गबरू, पढ़ूंगी लिखूंगे नहीं तो गबरू से गबरा कैसे बनोगे। और उस शिशु को अपने पास में रख देता है और कहता है, तो गबरू आज याद आई अपनी पढ़ाई। तभी गबराल कहता है, लेकिन गबराल को पढ़ाई से क्या संबंध विकराल। तभी विकराल बताता है, मतलब है गबरू, क्योंकि अगर तुम इस होटल में लिखा हुआ लेवल पढ़ सकते हो तो इसका सारा खजाना लेकर इसके पास नहीं बैठते। अच्छा इसे पढ़ो। तभी गबरू पढ़ता है, तभी विकराल पढ़कर बताता है, समुद्री लुटेरा। तभी गबराल कहता है, अरे हाँ विकराल, तुमने कहा था तुम इसकी कहानी सुनाओगे। तभी विकराल फिर से उस जादुई बटन को दबाकर कहानी दिखाना शुरू करता है, जहाँ पर किसी समंदर को दिखाया जाता है। तभी उस समंदर में चल रहे नाव में बैठा एक आदमी कहता है, यह समंदर हमारे रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं और मेरे पापा एक साथ यहाँ फिशिंग करते थे और घर पर मामा हमारा इंतजार करते थे। यह समुंदर हमें ढेर सारा मछलियाँ देती थी, मगर आज और वे दोनों मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी अचानक उसके काटी में एक वजनदार मछली फंस जाती है और वे दोनों बाप बेटे पूरी ताकत से उस काटी सहित उस मछली को खींचते हैं और वे पूरी ताकत लगाकर मछली को खींच रहे होते हैं। ये अचानक उस लड़के का बाप उस पानी में गिर जाता है। तभी अचानक उस पानी में एक अजीब सी प्राणी उस लड़के के बाप को जकड़ रहा होता है और वह प्राणी अचानक उसके पिताजी को जकड़ कर पानी में न जाने कहां गायब कर देता है। और वह लड़का यह सब देखकर कुछ भी नहीं कर पाता और वह लड़का बड़ा होने के बाद एक छोटे लड़के को यह सब कुछ बता रहा था। तभी वहां पर एक लड़का जिसका नाम जोन होता है और उसके साथ एक लड़की डोना आती है और वह लड़का अपने दोस्त बिलचेस को बुलाता है, जो कि वह कुछ ही समय पहले अमेरिका से आया था। और वह अपने बचपन के दोस्त बिलचेस से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी बिलचेस अपने दोस्त सत्या को उन दोनों से मिलाते हैं और वे दोनों उन लोगों के साथ फिशिंग पर जाने के लिए कहते हैं। तभी सत्या कहता है, अगर बोट पर हमारे साथ आना है तो हमारी मदद करना होगा, अगर तैयार हो तो ठीक है वरना जा सकते हो। लेकिन वे तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और उन लोगों के साथ समुद्र के बीचों बीच मोती ढूंढने के लिए उनसे नाव पर जाने के लिए कहता है और यह सब कुछ गबरू भी देख रहा होता है। उसके बाद वे पांचों, जो कि उनके साथ एक छोटा लड़का भी होता है, जो कि पांचों उस बोट में बैठकर समुद्र में जा रहे होते हैं। समुद्र में काफी जाने के बाद वे मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ मछली बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। तभी वे समुद्र के बीचों बीच जाने का फैसला करते हैं और वे पांचों उस बोट के ड्राइवर के साथ समुद्र के बीचों बीच जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि मछली पकड़ना ही उनका रोजगार था। अगर वे मछली नहीं पकड़ते तो वे भूख से मर जाते हैं। और वे समुद्र में काफी अंदर जाते हैं। उनके काफी अंदर जाने के बाद अचानक उनके सामने किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उनमें से एक बोट को रोकने के लिए कहता है और कहता है, वो देखो कोई है वहाँ पर, कोई वहाँ डूब रहा है। तभी वे लोग उसे बचाने के लिए कहते हैं। तभी सत्या कहता है, अरे कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक छलावा है। जैसे रेगिस्तान में छलावा मरसिया होता है, वैसे ही बीच समुद्र में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो असल में है ही नहीं, जो दिन में दिखने वाले सपने की तरह होते हैं। तभी वह दूसरा आदमी कहता है, अरे ये कैसा बकवास है, चल बोट निकाल। लेकिन वो आदमी मना कर देता है और ये लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं कि अचानक वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। वह लड़की थी जो पानी में डूब रही थी। तभी अचानक समुंदर में कुछ हलचल होने लगती है और वो बोट जोर जोर से हिलने लगता है। तभी सभी लोग उस नाव को कस के पकड़ लेते हैं। तभी अचानक उस बोट में एक छिद्र हो जाता है जिससे बोट में पानी भरने लगता है। तभी वे समुंदर के बीचों बीच कोई बड़ा सा नाव देखते हैं। तभी वे उस बोट को उस नाव के पास ले जाते हैं और यह सब कुछ गबराल और विकराल भी देख रहे होते हैं। तभी गबराल कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें वो बोट मिल गया। तभी विकराल कहता है, अच्छा नहीं गबरू, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें भूतनाथ बनने का पहला उसूल क्या बताया था मैंने? भूतनाशक बनने का पहला उसूल, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। समुंदर ने अपना जाल बिछा दिया है, अब ये सब के सब उसमें फंस गए। हजारों सालों से सो रही मौत, वही दूसरी तरफ के सभी उस बोट को लेकर उस नाव के पास जाते हैं और उस बोट में भर रहे पानी को भी निकाल रहे होते हैं। और वे उसी समय में उस नाव के पास पहुंच जाते हैं, जो कि उस नाव पर कुछ लिखा होता है,
इसाबेला, जो कि वो मछुआरा उस नाव को कहीं सुना था और वे सभी उस बोट पर चढ़ जाते हैं। उस नाव पर चढ़ने के बाद बुलाते हैं कि कोई है इस नाव में, लेकिन वहाँ पर उस जहाज में उन्हें कोई नहीं मिलता और वे यही सोच रहे थे कि समुद्र के बीचों बीच ये जहाज यहाँ कैसे, और उस जहाज का हाल देखकर मालूम पड़ा कि उस नाव को कोई 100 सालों से अभी तक चलाया नहीं है। तभी वह मछुआरा आदमी कहता है, इस नाव में कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और वे छोले लोग दो गुटों में बढ़कर उस जहाज की तलाशी लेते हैं और वे जहाज को खोलकर जहाज के नीचे जाते हैं। तभी अचानक उनका वह बोट उस नाव से छूट कर बहने लगता है और वह बोट बहकर समुन्द्र में चला जाता है। वहीं वे तीनों उतर कर नाव की तलाशी लेते हैं। तभी अचानक वह लड़की चीख उठती है। तभी देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर इंसानों के कंकाल होते हैं और जहाँ भी देखें वहाँ पर इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं और वे लोग यह सब देखकर डर जाते हैं और वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। तभी वह मछुआरा कहता है, इसाबेला अब याद आया, यह एक पायरेट शिप है। आज से 200 साल पहले यह समुन्द्र का कहर है। यहाँ से गुजरने वाली हर जहाज को ये लूटकर अपना खजाना भरते हैं। और बताता है, एक दिन ये जहाज समुन्द्र में गायब हो गया। बुजुर्गों का कहना है कि तूफान में डूब गया, समुन्द्र ने अपना बदला ले लिया। लेकिन आज इसी इतने सालों बाद यह जहाज फिर से हमें दिखाई दिया अपने सभी क्रू मेंबर के ढांचों के साथ। तभी अचानक ये लोग समुद्र के पानी में अजीब से चीजें देखते हैं। वहीं वे अंदर किसी बक्से में देखते हैं जिसे खोलने पर पता चलता है कि उसमें बहुत सारे खजाने होते हैं। वह ये सब विकराल और गबराल भी देख रहे होते हैं और गबराल कहता है, वहाँ खजाना, इतना सारा खजाना विकराल, यह तो चेकपोस्ट है। तभी विकराल कहता है, अरे इस चेकपोस्ट के चक्कर में ही लोग मारे जाते हैं। भूतनाशक का वह बात कभी मत भूलना, हर खजाने का कोई न कोई रक्षक होता है। घबरों कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती और लालच बुरी बला है। वही वे सभी लोग जैसे उस खजाने को उठाते हैं कि अचानक वह जहाज अपने आप चलने लगता है। वही बाहर वे तीनों लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह जहाज कैसे चल रहा है और वे देखते देखते वह जहाज अपने आप चलने लगता है। तभी देखने पर पता चलता है कि वे सभी इंसानों के कंकाल एक एक करके फिर से जीवित हो जाते हैं और वे सभी लोग हंसते हैं। और वह अपने बाकी साथियों को जगाता है और कहता है, जागो मेरे साथियों, जागो, हमारा खजाना खतरे में है। तभी बाकी जितने भी कंकाल होते हैं सभी एक एक करके जीवित होते हैं और वे बाहर उन तीनों लोगों पर हमला करते हैं। तभी उनमें से एक पर वह हमला कर देता है। तभी वह छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए उसे कहीं छुपा देता है। तभी वही अंदर से वे तीनों बाहर निकलते हैं और वे उन लोगों को देखकर डर जाते हैं। तभी वे लोग उस लड़के जोन पर हमला करके उसे भी खत्म कर देते हैं। तभी वह लड़की भी बाहर निकलती है और वह जोन को मारते हुए देखकर घबरा जाती है। तभी वे लोग उस लड़की पर हमला करने वाले होते हैं कि लड़की वहाँ से भाग जाती है। वहीं वे लोग एक लड़के को मारकर पानी में फेंक देते हैं। तभी अचानक उस पानी में कुछ अजीब से जीव निकलते हैं और उस लड़के को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसका नामो निशान नहीं मिलता। वही वे शैतानी डाकू में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तभी वही दिल फेस आता है और उसे मारकर उस लड़की को छुड़ा लेता है। वही अंदर वह आदमी मछुआरा उस खजाने के बक्से को लेकर बाहर आता है कि अचानक उस शैतानी डाकू में उस पर हमला कर देते हैं। तभी वह मछुआरा पूरे से खजाने को पानी में फेंक देता है। उसे देखकर वे भूतिया डाकू में खजाने की लालच में उस पानी में कूद जाते हैं जिससे वे भी मारे जाते हैं। तभी वह समझ जाता है कि वे लोग वही जाएंगे जहाँ यह खजाना जाएगा। वही वह लड़की कहीं छुपी होती है और बाहर निकलती है। तभी अचानक एक जादू लड़की उसके गले को फंसा देती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वही उस खजाने वाले दूसरे आदमी पर हमला करने के लिए वे भूतिया डाकू उसके पास आते हैं, लेकिन वह एक एक करके सबको मारता है। लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का भी आता है और वे दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, जो कि तीन लोग ऑलरेडी मर चुके थे। अब वे दो लड़के और वह एक छोटा लड़का बचा था। तभी वह छोटा लड़का दोबारा से कहीं छुपने जा रहा होता है कि वे भूतिया डाकू उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वे दोनों लड़के उसे बचाने के लिए जाते हैं कि उन डाकुओं का सरदार उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं इस बच्चे को पानी में फेंक दूंगा। और कहता है, तुमने मेरे खजाने को हाथ लगाया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हम इतने सालों से इस खजाने की रक्षा करते आए हैं, अगर हमारी जिंदगी में यह खजाना हमारा नहीं हो सका तो मौत के बाद भी यह खजाना किसी का भी नहीं होगा। और वह उन लड़कों में से एक लड़के को पानी में कूदने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुम पानी में नहीं कूदे तो मैं इस बच्चे को पानी में फेंक दूंगा।
लेकिन सत्या उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी बात मान लेता है और समुंदर के पानी में कूद जाता है। पानी में जाते ही वे अजीब से जीव पल भर में उसे खत्म करके वहीं उसे गायब कर देते हैं। अब सिर्फ वह छोटा बच्चा और वह मछुआरा आदमी भी बचा था और वह आदमी ये सब देखकर उस खजाने को पानी में फेंक देता है। खजाने के पानी में जाते ही वे डाकू उस आदमी को लेकर पानी में कूद जाते हैं। वहीं घबराल कहता है, अब क्या होगा विकराल, ये बच्चा तो बहुत छोटा है। वही वो मछुआरा समय रहते ही वहाँ से बच जाता है और वह छोटा बच्चा और वो मछुआरा ट्यूब में भरे हवा की मदद से जैसे तैसे करके किनारे पर आते हैं, क्योंकि वह जहाज भी डूब चुका था। किनारे पर आने के बाद वे लोग अपने साथियों के बारे में सोच रहे होते हैं। उसके बाद वह अपने पास रखे कुछ खजाने को उस बच्चे को दे देता है और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वह लड़का उस खजाने की पोटली को खोलता है। तभी गबराल कहता है, अब क्या होगा विकराल, उस खजाने का भूत तो धरती पर आ गया। तभी विकराल कहता है, देखना चाहोगे कि मैंने कैसे उस भूत के पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन सोच लो गबरू, कहानी का अंत या फिर सोने का सिक्का। अगर कहानी का अंत तो फिर तुम्हें सोने का सिक्का खोना पड़ेगा। अच्छा चलो तुम नहीं बताओगे, अगर सिक्के में हेड आता है तो कहानी का अंत, अगर तेल आता है तो सोने का सिक्का, लेकिन सिक्के को उछालने पर हेड आ जाता है। तभी कहानी आगे दिखाया जाता है। वहीं अचानक उस समुंदर में वह समुद्री लुटेरा निकलता है जो चलकर आता है और कहता है, मेरा खजाना, मैं इस खजाने को तो छोड़ूंगा नहीं। और वह जैसे उस बच्चे पर हमला करने वाला होता है वैसे वहाँ विकराल आ जाते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। तभी वह दोबारा उस बच्चे पर हमला करने वाला होता है। तभी विकराल अपने हथियार से उस पर वार करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद दोबारा उस पर वार करते हैं। तभी उसके और विकराल के बीच लड़ाई होती है। तभी अचानक वह समुद्री लुटेरा उस बच्चे को पकड़ लेता है। तभी विकराल उस लड़के से कहते हैं, मोती फेंको। तभी वह जैसे मोती को फेंकता है कि विकराल उसे अपनी शीशी में कैद कर लेते हैं। उसके शीशी में कैद होते ही वह समुद्री जादू लुटेरा भी उसमें कैद हो जाता है। वही गबराल कहता है, क्या बात है विकराल, अब गबराल भी इस समुद्री लुटेरे का सामना करने के लिए तैयार है। विकराल, लेकिन मेरा सोना। तभी विकराल कहते हैं, चल गबरू मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। वो कौन थी?